अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम लोग एलईडी यूनिवर्सिटी कराची में मौजूद हैं, जहां पर आईटीपीली की तरफ से 36 स्टूडेंट सेमिनार हो रहा है। और इस स्टूडेंट सेमिनार में इस वक्त हमारे पास इलेक्टेड चेयरमैन आईटीपीली बी के खालिद परवेज तक मौजूद हैं, और इनसे इस स्टूडेंट सेमिनार के हवाले से जानते हैं कि क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अहमदून सल्ली अला रसूलिल करीम। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस मौके की अच्छी कवरेज कर रहे हैं। ये IEEE का एक बड़ा ही कराची सेंटर का एक कदम है कि 36 साल से लगातार बगैर किसी ब्रेक के ये मुनाकिद किया जा रहा है, और इसमें पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पे बनाए हुए प्रेजेंटेशन और पेपर को यहाँ प्रेजेंट कर सकें। फिर उसमें हमारे सीनियर कुछ जजेस होते हैं, वो उसमें देखते हैं कि सबसे अच्छे पेपर्स कौन से हैं, उनको नकद इनामात भी दिए जाते हैं और उनको मौका भी दिया जाता है। फिर वो मल्टी टॉपिक सिम्पोजियम, जो कि फिर हमारा एक सालाना फंक्शन है, उसमें उसको दोबारा वो प्रेजेंट कर सकें एक लिहाज से एक बड़े फोरम के ऊपर। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा वो ये कि इससे न सिर्फ इनका एक प्रोजेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, बल्कि इनके क्रेडेंशियल्स में, इनके CV में भी वो ऐड होता है, जॉब के में भी वो उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जगहों पे भी हायर एजुकेशन में अपना जो एप्लीकेशन देते हैं उसके में भी उसको शामिल करके अपनी एक तरीके से कॉम्पिटेंस में के बारे में बताया जा सकता है। सर, इस सेमिनार के बेनिफिट उठाने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और स्टूडेंट के हवाले से बताएंगे कि क्या आप स्टूडेंट को देना चाहेंगे? यकीनन ये बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी का और इंडस्ट्री का एक लिंकेज हो, इफ़ेक्टिव लिंकेज हो। इस पर हम बात तो बड़े लंबे अरसे से करते चले आए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसमें खातिरखा कहना चाहिए कि उसकी कोई शक्ल नहीं निकल सकी है। और उसकी मैं अपनी ज़ाती हैसियत में विदाउट एनी प्रेजुडिस ये समझता हूँ कि जब तक कि हमारा निसाब जो है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में के स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, जब तक कि वो हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरियात से मुताबिकत नहीं रखेगा, हमें ये गैप मौजूद रहेगा। तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स हम तैयार करें जो कि हमारे जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री को, जो चैलेंजेस हैं उसको जो था वो मद्देनज़र रखते हुए आगे आएँ और अपनी खिदमत दें। इसी हवाले से मैंने अल्लाह ने चाहा, मैं इसको कुछ और टेकअप करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कराची में NED यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कुछ इंटरफेस हो, इनके साथ हमारी एक लिंकेज को डेवलप हो। IEEE इस हवाले से जो भी अपनी खिदमात पेश कर सकती है यूनिवर्सिटी को, वो हमारा एक तरीके से फ़र्ज़ बनता है। इसी इदारे से हमने पढ़ा है, और जो कुछ भी हमसे हो सकेगा वो हम इसके लिए करेंगे। स्टूडेंट्स तो यकीनन हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल ही उन पे है, और उनकी कोशिश होनी चाहिए पूरी कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े भी फराहम करें, बेहतर से बेहतर उनके लिए हम माहौल भी दे सकें, और ये जिसमें कि ये कोर्सेज वगैरह का भी उसमें शामिल है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। ये थे IEEE के एलेक्स चेयरमैन खालिद परवेज साहब, और आपने न्यूज़ देखा सुने, और इस तरह की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए इंडियन पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।